Om Shanti and a beautiful golden evening to all. Brahma Kumaris ke Art and Culture Wing dwara ayojit e-conference ke dusre satra mein aap sabka bahut bahut hardik swagat hai. Role of artist in challenging situation. Vartaman paristhitiyon mein kalakaron ki bhumika. Is vishay par ayojit ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे एमिनेंट स्पीकर्स और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वालों का तथा आज के हमारे एक्सेलेंट व्यूअर्स का दिल से स्वागत है और शुभकामनाएं हैं। सर्वप्रथम अब मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए सविनय आमंत्रित करती हूँ राजयोगी डॉक्टर बी के मृत्युंजय भाई जी को। ब्रह्म कुमारीज में 5 दशकों से आप पूर्ण समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। आप एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन और राज्यों का एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग मेंबर हैं। विनम्र निवेदन करती हूँ राजयोगी पी के मृत्युंजय भाई जी से कि आप अपने आशीर्वचनों की धारा को हमारे समक्ष रखें। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आर्ट एंड कल्चरल विंग कला मत संस्कृति विभाग की सभी भाई बहनों को, विशेष करके इस विंग का चेयरपर्सन खुद बाबा कर रथ दादी हृदय मोहिनी जी है और उनका उपाध्यक्ष कुसुम बहन है और राष्ट्रीय संयोजक सतीश भाई और दयाल भाई है। ये सभी मिलकर के एक आर्ट एंड कल्चरल विंग की सम्मेलन वेब सेमिनार आयोजन किया है। ये बहुत खुशी की बात है। इस उनका जो सम्मेलन का विषय है रोल ऑफ आर्टिस्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान समय की चुनौती की समय पर कलाकारों का पात्र क्या है, रोल क्या है, इस विषय पर एक अच्छा चर्चा गोष्ठी कहो, कॉन्फ्रेंस कहो, सेमिनार कहो आयोजन किया है। ये बहुत खुशी और आनंद की बात है क्योंकि इस समय में हम सभी जानते हैं, मानते हैं, देखते हैं कोरोना वायरस के कारण सारे विश्व में एक युद्ध का वातावरण बना हुआ, हताश, उदास, निराश, भयग्रस्त ऐसे हो चुकी है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है और बहुत दवाई नहीं मिल रहा है और भयग्रस्त है, भविष्य अंधकार दिखाई देता है। ऐसे समय कलाकार, चाहे चित्रकार हो, कला विधि लोग तो नृत्य कला हो, साहित्य कला हो, संगीत कला हो, कोई भी कला है मनुष्य को खुशी ला सकता है, आनंद ला सकता है, पॉजिटिव सोचने के मजबूत करते हैं और साथ साथ में इनका योगाभ्यास करके मन को शक्तिशाली बना सकते हैं और चिंतन को सुदृढ़ कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, संबंधों में मधुरता ला सकते हैं, व्यवहार में कुशलता ला सकते हैं और भी अनेक लाभ हैं क्योंकि कला नहीं तो जीवन नहीं, जीवन में कला नहीं तो व्यर्थ है। इसके लिए कला, कोई ना कोई कला होना चाहिए और ऐसी कला को प्रतिभान्वित भाई बहने कलाकार लोग उसको उभार के, चाहे संगीत के माध्यम द्वारा, नाटक के माध्यम द्वारा, नृत्य के माध्यम द्वारा, चित्रकला के माध्यम द्वारा व विविध रूप से लोगों पर खुशी लाना, स्वास्थ्य के प्रति प्रेरणा देना और जीवन में उमंग उत्साह रखना, पॉजिटिविटी को रखना और चिंता से दूर रखना और सदा सकारात्मक सोचने का मजबूत करना, ये सभी कलाकारों के अंदर एक तो स्वाभाविक रीति से शक्ति रहता है। परमात्मा का यह देन है, कला एक देन है। ऐसी कलाकारों में मिलकर के एक अच्छे देश का अच्छे अच्छे कलाविदों को बुला करके इसके बारे में चर्चा करेंगे, प्रस्तुति करेंगे और अनेक दृश्यों को सामने लाएंगे और भारत का, विश्व का भविष्य क्या हो सकता है इसके बारे में एक नया चिंतन, ईश्वरीय चिंतन को उनके जीवन में उतार रहे हैं। ऐसी कलाकारों का एक संगम मधुबन में, शांतिवन में व ध्यान सरोवर में आयोजित किया है। ये बहुत खुशी की बात है।
ज्ञान सरोवर, इसका नाम ही ज्ञान सरोवर है, शांति वन है, और इन सब की प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी खुद है। और ऐसी विंग का चेयरपर्सन एक बड़ा हस्ती है, इस संस्था की बड़ा हस्ती है, और ये इस समय में मुख्य प्रशासिका भी है। ऐसी दादी जी के नेतृत्व में चाहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहे कहीं भी हो, उनको एक नया प्रेरणा मिलती है। ऐसा दादी जी के नेतृत्व में सभी कलाविदों का संगठन करके, विशेष करके ज्ञान सरोवर के हमारा सतीश भाई, दयाल भाई अथक सेवाधारी है, अच्छे चिंतक है, लेखक है, कविकार है, संगीतकार है, ऐसा सब मिलकर के एक बड़ा उमंग भरने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है इस कला के माध्यम द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, सच्चाई को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, शांति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, प्रेम का जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं। सद्भावना क्या उसका चीज है, सद्भावना से कैसे जीवन खुशी खुशी और आनंद में भरपूर हो सकता है, ऐसी बातों को कला के माध्यम द्वारा ये लोग प्रेरित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, ऐसी कला सम्मेलन बारंबार होते रहना चाहिए, और हमारा भाई बहनों के सिवाय सारे देश में, विदेश में, विश्व में ये सारी इसका प्रचार प्रसार अवेकनिंग चैनल के माध्यम द्वारा लाइव भी दे रहे हैं, मैंने सुना, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसी कलाकारों को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, ओम शांति करता हूँ। सबको बाबा के प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल हो, सफल हो, सफल हो, सिद्धि स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, शांति स्वरूप हो, कल्याणकारी भाव का अनुभव करें, यही मेरे शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शत शत धन्यवाद राजयोगी बी के मृत्युंजय भाई जी, आपके प्रेरणादायक वक्तव्य के लिए। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट फेम्ड एंड ब्यूटिफुल बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री इन दिस वंडरफुल इवनिंग टू शेयर हर हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स। शी वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यूट। नाउ लेट्स लिसन टू ए वेल नोन सिने एक्ट्रेस। ओम शांति। आई एम भाग्यश्री एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग मी थ्रू माई फिल्म मैंने प्यार किया, बट टूडे वी आर हियर as a part of the Brahma Kumari's Art and Cultural Center. It's an absolute pleasure for me to be with all of you all here with the Brahma Kumari's. Actually, this year I had expected to join you all at the Mount Abu at the Art and Cultural Wing. But unfortunately, the COVID has restricted all of us to our homes right now. The Art and Culture Wing of the Brahma Kumari's always brings about a set of value systems in our society. So many stories from the scriptures, they teach us values of life, such as honesty, compassion, graciousness, respect, truth, belief, and gratitude. For me, it's been a journey getting to know all the people associated with the Brahma Kumaris, and especially Shivani Ben, because she has managed to open up my vision and thoughts for my day-to-day life and living. Sometimes as artists, we are faced with a dilemma. There are people at home probably who are unwell and we have to report to a shoot and perform a scene which requires us to laugh or perform more boisterously. And it becomes so difficult at that point of time because the worry and the nervousness of a loved one overtakes what duties we have to perform as an artist over there. Sometimes it does get very difficult when you are in the synergy of eyes and having to veil the emotions that you really feel. I mean, you could be going through some problems or some tensions, but there is no way that you can show that to the public. Being with the Brahma Kumaris has helped calm our thoughts, calm our mind, being able to meditate and allow the flow of thoughts to go by without affecting our day-to-day living. I think what I have learned from Shivani Ben
and the whole thought process of the Brahma Kumaris is being able to separate yourself from the thoughts that keep passing in your mind, because there's always such a huge commotion of thoughts in your mind. You have to be able to segregate those thoughts and do what you must at that moment of time. And that's what's being mindful, something that has really helped me. And thank you, Shivani Ben, for all the advice that you have been giving me and helping me cope with balancing work and home pressures. Om Shanti. Thanks for sharing your beautiful thoughts and best feelings. Now, we are honored that renowned Indian film actor, writer, and director, Mr. Karan Rezdan, is joining us from Mumbai. He also wrote and directed the hit TV series of the mid-80s, Rajni. Now I request Karanji to express his valuable views. ये पंछियों की आवाज, ये खूबसूरत सा बगीचा, लॉकडाउन फिर अनलॉकडाउन, मुंबई से दूर चला आया मैं। कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है कि यार शुक्रगुजार हूं इस कोरोना का जो इसने मुझे ये छुट्टी दे दी। लेकिन मैं जानता हूं कि ये वक्त तो बड़ा मुश्किल सा वक्त है, मेरे लिए भी है लेकिन शायद मुझसे ज्यादा औरों के लिए, जिन्हें दफ्तर जाना होता है, वो जो सुबह निकलते हैं और कुछ कमा के घर लौटते हैं। मैं क्योंकि एक लेखक हूं तो जो मुंबई में लिख सकता था वो मैं यहां भी लिख सकता हूं, इसलिए मैं इस नेचर के बीच आ गया। एक कलाकार हूं और कलाकार होने के नाते मैंने जिंदगी को बड़े करीब से देखा है, इसलिए नहीं क्योंकि मुझमें कोई बहुत स्पेशल क्वालिटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी का एक हिस्सा ही तो हम पेश करते हैं अपनी कला में। तो जो देखता हूं उसी को तो पेश कर सकता हूं, और जिंदगी को मैंने बड़े करीब से देखा पिछले 4 महीनों में। एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिंदगी ने मुझे जितना पिछले 4 महीनों में सिखाया, शायद वो मेरी पूरी जिंदगी नहीं सिखा पाई। हां, अंदर से डर महसूस हुआ कि क्या ये बीमारी मुझ तक भी पहुंच जाएगी, ये डर भी महसूस हुआ कि अब सिनेमा हॉल्स तो बंद हो गए तो मैं जो फिल्में लिख रहा हूं इसे देखने कौन आएगा। फिर मैंने सोचा कि घर बैठे अक्षय कुमार और अजय देवगन भी तो यही सोच रहे होंगे, बल्कि उनकी फिल्में तो तैयार हैं और कुछ अरसे से वो रिलीज होने के लिए तैयार हैं, तो वो तो नहीं हो रही। उसी तरह न जाने कितने और बिजनेस हैं, नौकरियां हैं लोगों की, जॉब्स हैं, जो कि सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। देखो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिनको उनके जॉब से निकाला जा रहा है, जिनको ये नहीं पता कि अब वो पैसा कैसे कमाएंगे। कैसे हो गया ये सब, ये क्यों हुआ। मन है, मन तो बड़े बहुत सारे सवाल पूछता, लेकिन मैंने पिछले 4 महीने में हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख लिया, जान लिया। कोरोना है, हाँ है, मुश्किल वक्त है, हाँ है,
इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल किस तरह किया जाए, इससे अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। अपनी आध्यात्मिक शक्ति जो मेरे अंदर मौजूद है उसे हार्नेस करके इस वक्त से कैसे लड़ा जाए, सकारात्मक कैसे रहा जाए। एक बड़ी अजीब सी बात मेरे दिमाग में कल या परसों आई कि जब जब मैं जिंदगी से दूर हुआ, जब जब मेरी रुचि उसमें कम हुई, तब तब मैंने देखा कि मेरे अंदर प्रेम कम हुआ है तो जिंदगी मुझसे दूर लगने लगी है, तो मेरी रुचि उसमें कम होने लगी है। तो बार बार अपने मन को छोड़ अपने दिल तक आने की कोशिश करता रहता हूं। कभी कभी गाना गाता हूं, कभी कभी कुछ म्यूजिक चला के नाच लेता हूं, लेकिन जैसे ही मेरा मन हल्का होता है और मैं दिल तक, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, वहां पहुंच जाता हूं, वो एक्टिव हो जाता है, तो सारे गम सारी फिक्र उड़नछू हो जाती है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत नकारात्मक हो गए हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर मैसेजेस करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, क्योंकि मैंने दो किताबें लिखी, उनमें से द सीक्रेट ऑफ ब्लेसिंग एक आध्यात्मिक किताब है, उन्होंने मेरी कुछ फिल्में भी देखी हैं जो थोड़ी सी आध्यात्मिक रही हैं निर्देशक के रूप में, वो मुझसे पूछते हैं कि कैसे कैसे सकारात्मक हुआ जाए इस वक्त में। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि नकारात्मक होकर आज तक किसने क्या पाया है। हाँ, रोना आता है, रो लो, लेकिन ये वो वक्त है जिसमें आप अपनी अंतर आत्मा से उस एक प्रभु से जुड़ सकते हैं। मैं तो शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं। इस लॉकडाउन से पहले भी मैं शिवजी पर एक डॉक्यूड्रामा बना रहा था, तो बहुत सारे मंदिरों में गया, बहुत सारी पूजा पाठ न जाने क्या क्या किया, देखा लोगों को करते, पिक्चराइज किया उनको, वो सब इस दौर में मुझे काम आया। आज तक मैंने जितने प्रवचन सुने थे, जितने अच्छे बोलने वालों को सुना था, वो सब काम आया। तो हाँ, ये जिंदगी ने मौका दिया है कि सुनो, कुछ अच्छे ख्याल सुनो, कुछ अच्छी बातें सुनो, कुछ आध्यात्मिक बातें सुनो। अगर आप अंधकार में चल रहे हैं तो आपको रोशनी जो है वो तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से मिल सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। वी ऑल हैव टू बी स्पिरिचुअल, वी ऑल हैव टू नाउ नॉट ओनली गेन नॉलेज, न सिर्फ ज्ञान बल्कि ध्यान भी हमें करना है। तो इस वक्त में इंसान ने ध्यान नहीं किया तो क्या किया। ये मौका मिला है उससे जुड़ने का, जुड़ जाओ। वही लाया है ये महामारी। लाख लोग आपको कहें कि नहीं, ये तो इंसानों की लाई हुई महामारी है, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर वो इंसान भी कुछ नहीं कर पाते, तो वो लाया है। शायद ये पृथ्वी घायल थी, अब मैं इस पृथ्वी को महसूस करता हूं कि ये सांस खुल के ले पा रही है, वरना प्रदूषण, कोलाहल, नॉइस, नॉइस पोल्यूशन, तो जाने क्या क्या था। अब ये पृथ्वी ने मौन जाना है, क्योंकि अचानक वो नॉइस तो चली गई, वो शोर कम हो गया, न गाड़ियों का शोर, ऑटो रिक्शा का, न स्कूटर्स का, न प्लेन्स का,
धरती पे भी शांति, आकाश में भी शांति। तो जो प्रभु ने इस कोरोना को इस दुनिया में लाए हैं, वही प्रभु इस दुनिया से इस कोरोना को लेने जाएंगे। कुछ गलत मत सोचिए, सब ठीक होगा। जब जब नकारात्मक ख्याल आपको बाहर ले जाए, अपने साथ बहने बहाने दीजिए, उन्हें बह जाएंगे उनके साथ, लेकिन अवेयरनेस के साथ कि हाँ मैं नकारात्मक हो रहा हूं। देखिए खुद को साक्षी भाव से, और आप निकल आएंगे, आप फिर सकारात्मक हो जाएंगे। ध्यान करिए, प्रभु से जुड़िए, इससे बेहतर इस वक्त में आप और कुछ नहीं कर सकते। उस पर छोड़ दीजिए, वो सब ठीक करेगा। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। आज परिस्थिति मुश्किल है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में खुश कैसे रहें, ये बताने के लिए पंजाब की भूमि करनाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं आदरणीय राजयोगिनी बीके प्रेम दीदी। आप ब्रह्मा कुमारीज करनाल सब जोन के डायरेक्टर हैं और आर्ट एंड कल्चर विंग पंजाब जोन के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आइए खुश रहने की कला सीखते हैं बीके प्रेम दीदी जी से। ओम शांति। परम कलाकार, परम पिता परमात्मा निराकार शिव की प्रिय संतान, भारत के कोने कोने से आज के इस लाइव वेबिनार से जुड़े हुए मेरे प्रिय कलाकार भाइयों और बहनों, हमारा आज का विषय है परिस्थितियों के बीच में रहते हुए भी हम खुश कैसे रहें। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, क्योंकि कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। परंतु कई बार परिस्थितियां जीवन में आने पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। प्रिय भाइयों और बहनों, परिस्थितियां आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उन परिस्थितियों को हंसते हंसते पार कर लेना आर्ट ऑफ लाइफ है। परिस्थितियां हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं, परिस्थितियां हमें अनुभवी बना कर जाती हैं। परिस्थितियां एज ए पेपर हैं, जैसे कोई स्टूडेंट पेपर पास करता है तो बहुत खुश होता है, ऐसे हम भी अपने जीवन में जब परिस्थितियों को पार करते हैं, उनमें सहन शक्ति को धारण करते हैं, अथवा उनसे निकलना जैसे कि एक सोने को अग्नि में पकाते हैं, जलाते हैं, तो उसकी सारी अलाई निकलकर वो कुंदन बन जाता है। इसी प्रकार परिस्थितियों में कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। जो स्वस्थिति और श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग इन परिस्थितियों के बीच भी कायम रखता है, वो तो निखर जाता है, परंतु जो नकारात्मक सोचता है, ना उम्मीद हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, तो अवश्य ही हम कहेंगे कि वो इन परिस्थितियों के बीच में बिखर जाता है। तो सदा ही हम परिस्थितियों को गुड साइंस समझें, परिस्थितियों को अपने जीवन में हमें आगे बढ़ाने का साधन समझें, और हम अपने जीवन में सदा ही उम्मीदवार होकर के रहें, आशावादी होकर के रहें। कहते हैं कि एक बार एक कमरे के अंदर 5 दिए जल रहे थे। पहला दिया ये सोचकर बुझ जाता है कि मैं इतना निरंतर रोशनी दे रहा हूं, परंतु मेरी रोशनी की किसी को भी वैल्यू नहीं है, मैं तो जैसे कि व्यर्थ हूं। तो ऐसा सोच कर वो दिया बुझ जाता है। वो दिया किसका प्रतीक है? वो दिया है उत्साह का प्रतीक। दूसरा दिया जो शांति का प्रतीक है, वो सोचता है कि मैं निरंतर शांति का प्रकाश फैला रहा हूं, उसके बावजूद भी लोग
हमेशा हिंसा पर उतारू रहते हैं, मेरे जगने का फायदा क्या है? वो भी ऐसा सोचकर बुझ जाता है। तो उत्साह और शांति के बुझे हुए दीपक को देखकर तीसरा दिया भी अपनी हिम्मत खो देता है और वो भी बुझ जाता है। वो दिया है हिम्मत का प्रतीक। और चौथा दिया जो कि समृद्धि का प्रतीक है, वो भी उत्साह, हिम्मत और शांति के दिए को बुझा हुआ देख बुझ जाना ही उचित समझता है और वो बुझ जाता है। लेकिन एक पांचवा दिया जो सबसे छोटा होता है, वो निरंतर अपना प्रकाश दिए जा रहा होता है, जग रहा होता है। इतने में कमरे में एक बालक आता है और देखता है कि चार दिए बुझे हुए हैं, परंतु एक दिया जग रहा है। वो जगे हुए दिए को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। उसकी उम्मीद मन में जागृत हो जाती है, वो आशावादी हो जाता है कि कोई बात नहीं, ये जो दिया जग रहा है ना, इससे मैं बाकी सब दिए जगा लूंगा। तो ऐसा सोचकर, आशावादी होकर वो उस दिए को उठाता है, बड़े ही प्यार से उन बाकी के चारों दियों को भी वो जगा देता है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी अपने जीवन में सदा आशावादी होकर रहना चाहिए, कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी जो पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व के अंदर आज फैली हुई है, उसको देख करके आज अधिकतर देखने में आता है कि लोग बहुत ही कंफ्यूज हैं, बहुत दिल शिकस्त है, परेशान हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के कि हमारा क्या होगा। परंतु हमने देखा है, हमने सुना है कि समय समय पर अनेक बड़ी बड़ी महामारी बीमारियां आई हैं जगत में, लेकिन आज वो नहीं है, वो चली गई। इस जिस तरह से रात जाती है और दिन आता है, ये तो हम रोज देख ही रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आशावादी हों कि ये महामारी की काली रात जिसमें सब दुखी हैं, ये अवश्य जाएगी और इसके बाद एक सुंदर खुशियों भरा दिन आएगा, फिर से हमारा जीवन सबका सामान्य जीवन होगा। तो इस प्रकार से हम अपने मन में, हम अपने घर में, अपने समाज में ये उम्मीद का दिया अगर जगा कर रखेंगे तो अवश्य ही खुशियां हमारे जीवन में छा जाएंगी। क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए कि मैं बहुत खुश नुमा आत्मा हूँ, मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास वातावरण में खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, सबका जीवन बहुत अच्छा है, सब बहुत खुशनुमा है। तो कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, क्योंकि सोच का ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सोच एक ऐसा बीज है जिसके ही फल स्वरूप उसके फूल फल और पत्ते हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए अपने विचारों रूपी बीज को हम हमेशा सकारात्मक आशावादी होकर के अगर रखेंगे तो अवश्य ही हमारे जीवन में खुशियां आएंगी और हम खुशनुमा रहेंगे। और हमेशा ही हमें कोई भी कर्म अपने जीवन में खुशी खुशी से करना चाहिए, तभी हमारी खुशियां सदैव कायम रहेंगी। कई बार कंफ्यूज होकर, मूझ कर, उदास या निराश होकर लोग कर्म करते हैं तो कहाँ से खुशी आएगी फिर जीवन में। कहते एक बार एक मंदिर बन रहा था, निर्माण हो रहा था मंदिर का, और बाहर तीन ढेर लगे हुए थे पत्थरों के, और तीनों पर एक एक मजदूर बैठा हुआ उन पत्थरों को कूट रहा था। तो एक व्यक्ति पहले एक ढेरी पर बैठे हुए मजदूर के पास जाता और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक निराशावादी संकल्पों वाला व्यक्ति होता है, वो कहता है क्या आपको नहीं दिख रहा, मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ,
अपने कर्मों को कूट रहा हूं, मेरे भाग्य में तो सारा दिन ये पत्थर तोड़ना ही है। फिर वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, दूसरा मजदूर जो पत्थर कूट रहा होता है उससे भी यही प्रश्न करता है, लेकिन वो जवाब देता है कि मैं रोजी रोटी कमाने के लिए ये श्रम कर रहा हूं, ये कार्य कर रहा हूं। और तीसरे मजदूर के पास जब जाकर यही प्रश्न पूछता है तो उसके चेहरे पर बड़ी चमक होती है, उसके मुख पर बहुत खुशी होती है और वो बहुत खुशनुमा होकर कहता है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ये भगवान जी का मंदिर बन रहा है, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि मुझे यहाँ कर्म करने का चांस मिला है, मैं अपनी आजीविका भी कमा रहा हूँ, लेकिन भगवान के इस कार्य में मेरे हाथों से ये हो रहा है इसकी मुझको अत्यंत प्रसन्नता है। तो काम तो वो तीनों एक ही कर रहे थे, परंतु उनकी विचारधारा में अंतर होने के कारण एक खुशी खुशी से कार्य कर रहा था और दूसरे परेशान और निराश होकर के कार्य कर रहे थे। इसी तरह से हमारे जीवन में कर्म तो हमको करना ही है सबको, लेकिन हम ध्यान रखें कि हम खुशी से कर्म करें, ये ना सोचें कि खुशी पहले हमें मिलेगी तब हम खुश होंगे, नहीं, पहले हम खुश होकर कार्य करेंगे तो खुशियां हमारे आसपास मंडराती रहेंगी। और इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में कभी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि फला व्यक्ति जैसा मैं क्यों नहीं हूं, उसके पास ये कुछ है, ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी उस जैसा होना चाहिए, परंतु नहीं, सबकी नेचर अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं, सबके कर्म अलग हैं, सबका भाग्य अलग है, सबका इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट अलग है, सब एक्टर हम सब अलग अलग हैं, तो हम सब एक कैसे हो सकते हैं, हमारे विचार एक कैसे हो सकते हैं। परंतु हम कभी भी दूसरों से इस प्रकार से अगर तुलना करते रहेंगे तो खुशियां हमसे दूर चली जाएंगी। अपने आप को हमें यूनिक समझना चाहिए, विशेष आत्मा समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक मछली जिसका जीवन जल के अंदर बीतता है, अगर वो सोचने लगे कि ये जो पक्षी उड़ रहे हैं मैं भी इनकी तरह ही मुझको उड़ना चाहिए, तभी मुझे मजा आएगा, तभी मुझे खुशी मिलेगी, तभी आनंद आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। और अगर पक्षी सोचने लगे कि हम पानी में रहें, अपनी जीवन पानी में बिताएं, पानी में तैरें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, जबकि दोनों अपने आप में यूनिक हैं। वो पानी में तैर रही है, कितनी बड़ी कला है, और वो उड़ रहे हैं अपने दो पंखों से। तो इसी प्रकार हम सबके जीवन में अपनी अपनी वैल्यूज हैं, अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हम अपनी उन विशेषताओं को देखकर, अपने गुणों को देखकर हमें खुश होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में मैं एक ही हूँ, यूनिक हूँ, मुझ जैसा कोई और नहीं है। दूसरी बात, हम अपनी खुशियों को औरों के साथ बांटें, औरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना हम कोई चीज को बांटते हैं, जितना हम दूसरों को देते हैं, तो उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। हमारे भारतवर्ष में दिया जलाने की बहुत एक सुंदर प्रथा है और समय समय पर उसमें घी डाला जाता है कि दिया बुझ ना जाए। बुझे हुए दिए को अशुभ माना जाता और जगे हुए दिए को हम शुभ मानते हैं। दिया माना क्या? दिया माना किसी को भी कुछ दिया, यानी देना। हम किसी को इज्जत दें, हम किसी को मान दें, रेस्पेक्ट दें, रिगार्ड दें, प्यार दें, कोई वस्तु दें, जो उसको चाहिए उसके जीवन में हम वो दें, तो देने से आप देखिए, जब हमारा देने वाला हाथ इस तरह से होता है, हमारे चेहरे पर कितनी खुशी होती है। और जब हम कोई चीज किसी से लेते हैं या मांगते हैं तो हमारा चेहरा किस तरह से हो जाता है। आज हमारे जो देवी देवता हैं, वो भी, उनके चेहरे हम देखते हैं सदा ही खुशनुमा होते हैं, क्योंकि वो अपने नैनों के द्वारा, अपने मस्तक के द्वारा, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा औरों को देते ही हैं। तो देते रहने से ही हमारी खुशी बढ़ेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक बार कुछ लोग किसी मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेंट होकर के जाते हैं, वहां पर
स्पीकर उनको कहता है कि ये इतने सारे बैलून्स रखे हैं, इनमें से एक एक बैलून उठा करके आप सभी अपना अपना इस पर नाम लिखिए और पास वाले रूम में सभी इन सारे गुब्बारों को छोड़ दीजिए। तो सभी ने ऐसा किया और उन्होंने फिर उनको ऑर्डर दिया कि अपने अपने नाम का गुब्बारा सभी ढूंढ कर लाएं, लेकिन 5 मिनट में। तो सभी वहां पर गए, अपना अपना गुब्बारा ढूंढने में बहुत ही उन्होंने हलचल की और किसी भी हालत में वो ढूंढ नहीं पाए। सभी उलझन में उलझते रह गए क्योंकि बड़ा घमासान सा हो गया वहां पर। लेकिन निराश होकर 5 मिनट के बाद स्पीकर के सामने वापस खाली हाथ लौट आई तो स्पीकर ने उनको कहा कि क्यों, किसी को भी गुब्बारा नहीं मिला? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब जाओ, अब जिसके हाथ में जिसके नाम का गुब्बारा आए वो उसको उसका गुब्बारा थमा दे और फिर आप 5 मिनट के अंदर ठीक इसी तरह से वापिस आपको पहुंचना है। अब उन्होंने ये प्रक्रिया स्टार्ट की, जिसके नाम का गुब्बारा उनके हाथ में आता वो उस व्यक्ति को बड़े प्यार से वो गुब्बारा दे देता, दूसरे व्यक्ति के हाथ में उसके नाम का गुब्बारा आता तो उसको दे देता। 5 मिनट के अंदर सभी अपना अपना गुब्बारा खुशी खुशी से लेकर के स्पीकर के पास पहुंच गए। तो तब स्पीकर ने उनको इस चीज का मोरल बताया, बात वैल्यू बताई कि इसका भाव ये है कि हम सभी के मन में सदा अपने प्रति ही भाव रहता है, अपनी ही खुशियों को ढूंढने में उलझन में हम फंसे रहते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो चीज की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे हम दूसरों को बांटें तो हमको भी खुशियां अवश्य ही मिलेंगी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। Now we are glad to have with us a talented singer, performer and songwriter Harish Moyal, who has won the IMA Award in 2011 for his Sufi song Mere Saiya. He is one of the top finalists of Indian Idol Season 1. Now he will sing a motivational song. Let's enjoy the song. मुश्किल का है घोर अंधेरा, मायूसी ने दुनिया को घेरा। मुश्किल का है घोर अंधेरा, तकलीफों ने हमको है घेरा। इससे ना तुम घबरा जाना, मायूसी से डरना जाना। जोश भी बाकी रहे, जुनून भी बाकी रहे, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगें भी बाकी, हौसला भी बाकी रहे। न थक कर बैठ उड़ान भी बाकी है, जमीन खत्म हुई तो क्या आसमान बाकी है। जोश भी बाकी है, जुनून भी बाकी है, ख्वाहिशें भी बाकी, उमंगे भी बाकी, हौसला भी बाकी है। थककर बैठ उड़ान भी बाकी है, जमीन खत्म हुई तो क्या आसमान बाकी है, बाकी है, बाकी है। नई सोच, नया जीवन जीने का तरीका, Awakening to a new way of living.
Special thanks to Harish Moyal for outstanding performance. We are grateful that Mr. Prem Raj Soni, a well-known Indian film director, is joining us to share his real-life experience with us. Om Shanti, my dear brothers and sisters. Main Prem Raj Soni aap sabko namaste karta hoon. My dear brothers and sisters, hum sab jante hain कि ब्रह्म कुमारी इसके आर्ट एंड कल्चर विंग का जो महत्व होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही कमाल का होता है। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं अपना अनुभव शेयर करने, अपनी सारी बातें बताने, प्यार बांटने। इस साल भी ये प्रोग्राम होगा, लेकिन इस साल कुछ खास होगा। हम सब जानते हैं कि 2020 काफी सारी चुनौतियां लेकर आया है। ये साल पूरी दुनिया के लिए काफी भारी रहा है। लॉकडाउन के अंदर काफी सारे लोग बहुत मुश्किल तरीकों से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, आर्थिक स्थिति खराब है, मानसिक स्थिति खराब है। जिन जिन से भी मैं बात करता हूं आजकल, वो सब मुझसे यही कहते हैं कि हर एक जन को सिर्फ एक चीज की खोज है आज, वो है पीस की, पीस ऑफ माइंड की। मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। 2013 में मेरी भी मानसिक स्थिति काफी खराब थी, मैं डिप्रेशन में था, और किसी एक प्यारी मित्र ने मुझे ब्रह्म कुमारी से इंट्रोड्यूस कराया था, मेरा परिचय कराया था, और सिस्टर शिवानी के वीडियोस द्वारा मैंने अपनी कोई भी कॉन्फिडेंस वापस अंदर जगाई। मुझमें जिंदगी जीने की रुचि नहीं थी, लेकिन राजयोग या मेडिटेशन के द्वारा मैं वापस से जीना चाहता था, अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया। इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि 8 साल बाद आज एक पिक्चर बनाई है। अब किसी चीज से मैं डरता नहीं, किसी ऊंच नीच से मैं घबराता नहीं। मैं एक लेखक हूं, एक डायरेक्टर हूं, निर्देशक, क्रिएटिव हूं, आर्टिस्टिक हूं, और जितने आर्टिस्टिक लोग इस दुनिया में होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। मेरा ये मानना है कि हर एक आर्टिस्टिक इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे वो कनेक्टेड रखती है अपने आप के साथ, उस कॉन्फिडेंस को घटने नहीं देती। और आज के समय में ऐसी चीज की सबको आवश्यकता है। ब्रह्म कुमारी इसके राजयोगा मेडिटेशन द्वारा जो पीस, जो कॉन्फिडेंस आप पा सकते हैं वो हमें पता है, लेकिन अब समय आया है कि हम इसे बांटें, इस अनुभव को हर एक के साथ डिस्कस करें। ब्रह्म कुमारी इसके राजयोगा मेडिटेशन का परिचय हर जगह लेकर जाएं। आज के समय में ये बहुत जरूरी है भाई और बहनों। मैं चाहता हूं हम इकट्ठा हों, एक दूसरे का साथ पाकर दुनिया भर में ये मैसेज हम पहुंचाएं, ताकि जिस दुनिया की हम अपेक्षा कर रहे हैं, जो मुस्कुराहट से जिंदगी हम जी रहे हैं, वो सारे जी। मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले साल बहुत खूबसूरत होंगे हमारे। इस मैसेज को हम हर जगह पहुंचाएंगे और हर एक आत्मा को हम कनेक्ट कराएंगे उस बाबा के साथ। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये छोटा सा मैसेज सबको प्रेरित करे। आप भी अपना मैसेज आगे भेजिए, पूरी दुनिया में इसके बारे में बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम शांति। हार्टी थैंक्स टू मिस्टर प्रेमराज सोनी फॉर हिज सच अ ग्रेट शेयरिंग। नाउ वी आर ग्रेटफुल टू हैव मिस्टर आदित्य राज कपूर, ए प्रोमिनेंट इंडियन फिल्म एक्टर and leading filmmaker from the legendary Kapoor family of Indian film industry. He is the son of late legend actor Shammi Kapoor and actress Geeta Bali. Requesting Aditya ji to share his great thoughts with us. ये कहानी शुरू हुई मेरे लिए करीबन 7-8 साल पहले, जब संजय भाई ने मेरी वाइफ और मुझे दोनों को आमंत्रित किया माउंट आबू आने के लिए और देखने के लिए कि ब्रह्म कुमारी में क्या है वहां पे।
कैसा जादू फैला के रखा है वहां पे, बाबा जी ने क्या बनाया वहां पे। हम गए दोनों वहां पे और करीबन 11 दिन रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, अच्छे अच्छे लोगों से मिले, बहुत सी बातें सीखने को मिली और सब ने बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुंबई आए और मुंबई में संजय भाई ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया नेहा दीदी से। नेहा जी ने जो हाथ पकड़ा एक टाइम पे तो आज तक छोड़ा नहीं, उन्होंने मेरी हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने जो 7 दिन का वर्कशॉप किया हमारे साथ में, उसमें उन्होंने बताया कि हम कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं और आते आते जाते जाते क्या होने वाला है। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि ये ऐसा भी ज्ञान अवेलेबल है, ढूंढने पे भी नहीं मिला। ये तो बाबा जी की मेहरबानी कि उन्होंने हम दोनों के ऊपर ये एक गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया, नेहा जी को भेजा, ब्रह्म कुमारी जी को भेजा हमारे पास में। ज्ञान दरवाजे के ऊपर आता है तो बहुत आनंद आता है, नहीं तो ढूंढते ढूंढते इंसान खत्म हो जाता है बिल्कुल। उस समय के बाद भी नेहा जी ने प्रैक्टिकल लेवल पे हम दोनों को बताते गए कि जिंदगी कैसे बितानी चाहिए, क्या करना चाहिए, व्हाट इज द वे आउट। राजयोग, द फाइनल फ्रंटियर ऑफ मैन, द फाइनल फ्रंटियर ऑफ मैन इज द माइंड। जो कि ये दिमाग खत्म हो जाए तो खेल खत्म, और कुछ है ही नहीं इसके बाद में। आप सबको मेरा प्रणाम हो, धन्यवाद। मेनी थैंक्स टू मिस्टर आदित्य राज कपूर। वी आर वेरी हैप्पी दैट एस्टीम्ड एक्टर एंड रेनाउंड प्रोड्यूसर रुद्र कौशिश, वेरी वेल नोन फॉर तलाश, रानबाका एंड एजेंट मोना पॉइंट वन, विल नाउ शेयर हिज वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस विद अस। ओम शांति, मेरा नाम रुद्र कौशिश है और मैं मुंबई में एज एन एक्टर काम करता हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने काफी टेलीविजन शोज किए हैं, मूवीज भी की है। मेरा लास्ट शो था कुल्फी कुमार बाजेवाला और दादी अम्मा मान जाओ स्टार प्लस। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो शोज देखे होंगे और मुझे पहचाना होगा। इसके अलावा मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जो मैंने पिछले 6 महीने पहले मैंने ओपन किया है, जिसका नाम है रेखा जी फिल्म्स। और मैंने कुछ 5-6 वेब सीरीज प्रोड्यूस भी की है। इस फील्ड में अगर मैं लगातार टिक पाया हूँ तो उसके पीछे ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारा फील ही ऐसा है, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, बहुत लंबे टाइम तक आपको काम नहीं मिलता। जब आपके पास काम नहीं होता है तो बहुत डिप्रेशन आ जाता है। सो इस हालात से निकालने में ब्रह्मा कुमारी ने मेरी बहुत मदद की। और मैं ब्रह्मा कुमारी से सबसे पहले जुड़ा था टेलीविजन के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। जब मैं सिस्टर शिवानी के वीडियोज सुनता था, सूरज भाई साहब के वीडियोज सुनता था, मेडिटेशन करता था, तो मेरे में एक अलग शक्ति का प्रवाह होता था। जो निगेटिविटी थी वो बिल्कुल खत्म हो जाती थी और मैं पॉजिटिव और खुश रहने लगा था। जो वो बोलते थे सुबह उठ के आप जिस जो चीज चाहते हैं उसका मनन करें, बार बार उस चीज को बोले तो वो आपको मिलेगी। और मैं इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हूं कि वो चीज मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और मैं तो ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ इसमें। और सिस्टर शिवानी तो मेरे लिए भगवान स्वरूप है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और मुझे एक बार उनसे रूबरू होने का मौका मिला, मुझे उनके चरण क्या हाथ लगाने का मौका मिला, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं बार बार ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मैं सिस्टर शिवानी से बार बार मिलना चाहूँगा। मेरा मन है एक बार माउंट आबू जाके 7-8 दिन वहाँ रुकने का। और इसी सिलसिले में जो इस बार आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम होने वाला था उसमें मैं भाग लेना चाह रहा था, और चूंकि कोविड आ गया तो उसकी वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया, इसलिए मैं मोबाइल के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगले साल जब ये दोबारा प्रोग्राम होगा आर्ट एंड कल्चर विंग का, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर आना चाहूँगा और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहूँगा। इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुसुम दीदी है, सतीश भाई साहब हैं, दयाल भाई साहब हैं, और भी बहुत सारे हमारे हमारी सिस्टर्स हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया है और आगे भी करते रहेंगे। मैं
मैं एज एन एक्टर ब्रह्मा कुमारी के बारे में सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि ब्रह्मा कुमारी फॉलो करना एक अलग बात है, फॉलो करता हूं मेरे को अच्छा लगा, आप फॉलो करो नहीं करो ठीक है, लेकिन जब आप उनके उनके प्रवचन जो हमारे दादी हैं उनके प्रवचन है, या हमारे ब्रदर्स हैं जो हमारी सिस्टर शिवानी है और भी हमारी बहुत सी सिस्टर्स हैं, उनके जब आप प्रवचन सुनते हो, जब आप उनकी बातें सुनते हो, तो आपका जो दिमाग है ना खुल जाता है, ओपन हो जाता है। आप मतलब अध्यात्म अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहे, मैं वो भी करता हूँ, वो करना अच्छा होता है, हम हिंदू हैं और हिंदुओं का कल्चर है, वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब अध्यात्म आप आपके कहीं भी किसी भी जगह पे बैठ के आप अध्यात्म कर सकते हैं, वो हमको ब्रह्मा कुमारी सिखाता है। आप अपने जिंदगी की सारी चीजें बदल सकते हैं, अपने हिसाब से डेस्टिनी को बदल सकते हैं, वो ब्रह्मा कुमारी सिखाता है। तो मेरी जीवन में तो बहुत बदलाव आए हैं जब से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूं, और मैं इसके लिए ब्रह्मा कुमारी का बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप एक बार जो हमारे वो ब्रह्मा कुमारी जो सिस्टर शिवानी जो बताती हैं, वो आप करके देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितनी खुशियां आती हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मेरी लाइफ तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत, बाबा के आशीर्वाद से बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। सो बस इसी के लिए मैं भगवान को, ब्रह्मा कुमारी को, बाबा को, सबको नमन करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र कौशिश जी अपने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। अब अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ रूबरू हो रही हैं आर्ट एंड कल्चर विंग की एक्टिव लाइफ मेंबर मीना कुमारी। आई केम अक्रॉस द ब्रह्मा कुमारीज इन लंदन थ्रू माय मदर एंड माय सिस्टर। दे इंट्रोड्यूस्ड मी टू राजयोगा मेडिटेशन। When I visited the center over there, I met three of the most divine souls I've ever met in my life. One of them, the most beautiful angel, Dadi Janki. I met the divine soul, Sister Jayanti Ben, and the most divine soul, Sudesh Didi. During that time, they were my teachers. Later on, when I came to India, to Mumbai with my partner, it was for filming for a film. Whilst I was in the background, he was busy out there shooting for his films. I was caught up in Mumbai, in the Mumbai lifestyle. It's fast and it's buzzing, so one tends to get a little lost also. And I came across the Brahma Kumari Center near my residence, fortunately for me, and there I was back again. During that time, my friends did ask me, "Aap kyun nahi join karte ho industry mein?" But sach bolu, I didn't even know how to speak Hindi properly, and I didn't have the confidence. I was shy, and I said, "No, no, no, no." One day whilst doing meditation, I asked myself and I asked the Supreme Almighty, where do I belong in this Brahma Kumaris foundation? Because there are 18 wings there and I wanted a placement. And there it was, when I came out of the meditation room, I was approached by a sister who became a very dear friend of mine, another actor, and she asked me whether I would be interested to act in one of her dramas that she had made. She had written a script for the Brahma Kumaris. I was a little hesitant, but she encouraged me, and there it was, my journey with drama on the stage, doing 12 to 15 dramas for the Brahma Kumaris, and fortunately quite a few also in the headquarters where there's an auditorium of 20,000 people. It was nerve-wracking, but it was an amazing joy. But how did I do this?
Where did my confidence come from? And it came from meditation. He gave me the power to see the insight. Raj Yoga meditation is something you can practice while you're walking, talking, working, whatever you're doing, whatever activity in your daily life. It's a way of life. And through the Art and Culture Wing, I came across many souls, many artists, and I was very inspired by them as well. So, apart from the drama, I managed to also have the confidence to face the camera, and there I did a couple of films which I acted in, and my confidence of not being, I would say, antagonized, that my Hindi was not so great, but I did it. And every day I thank the Almighty for giving me that confidence only through meditation. The Art and Culture Wing has been very inspiring for me, and I wish to thank each and every single soul, every single member of the Art and Culture Wing, and my seniors also, the senior brothers and sisters. There is Kusum Didi, there is Dayal Bhai, Satish Bhai, Muridharan Bhai, our respected, dearest Ramesh Bhaiji. Because of him, he gave us the support. We were able to do so many plays also. And there are many, many, many souls. So there are so many to name that, please forgive me if I don't mention your names, but I mean for every single one of you. It's a beautiful platform for all artists all over the world to come and join and be part of this wing with the Brahma Kumaris, because it will help you in your daily life in whatever art you're doing, whether you're an actor, whether you're a film director, a producer, a singer, a musician, technician, a painter, dancer, whatever form you're in. There are so many programs available to help you in your daily life. And as you know, aajkal, during these very, very, very troublesome times, it's very important for mental health, for us to be very stable, because there's no work, shooting bhi band ho gaya hai, kaam bhi nahi mil raha hai, to kaise chalayenge apne lifestyle? Believe me, Raj Yoga meditation will help you, and I do encourage and I do advise people, ek baar to try karo. You see the discourses, the conference is starting now, please be part of it, please watch the program, I'm sure you'll get inspired, there'll be a touching for you, and learn to see your strength. It will give you happiness, it will give you confidence. And the last and foremost thing I want to say is that it is an unlimited love, what they say in Hindi, niswarth. Everybody encourages you and gives you love and warmth and encouragement. They don't want anything, they are givers. So once again, thank you so much to the Art and Culture Wing. Congratulations, and I wish you all the best. Looking so forward to coming to Mount Abu headquarters next year. This year we've missed it, and we'll watch it now online. But all the best again. Om Shanti. Sister Meena Kumari, आपके अनुभवों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अ वेरी वेल नोन फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर शशिलाल नायर और मुंबई बांद्रा सेंटर की संचालिका ब्रह्मा कुमारी शोभा बहन. आइए प्रश्न और उत्तर के रूप में हुई उनकी बातचीत का आनंद लेते हैं और मूल्यवान जानकारी प्राप्त करते हैं. देखेंगे एक झलक. ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, आर्ट और कल्चरल विंग की ओर से, मैं शशिलाल भाई नायर, जो कि वेल नोन डायरेक्टर है, फिल्म राइटर है, उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ.
अपना समय निकालकर इस ई कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले रहे हो उसके लिए आपको शुक्रिया कहते हैं। अभी हम सभी आपसे ये जानना चाहेंगे, ओरिजिनल तो आपके बहुत अच्छे विचार चलते होंगे, आपने कई वेल नोन फिल्म बनाई है, तो हम ये चाहते हैं आप बताइए कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद आपके विचारों में जो आप लिखते हो उसमें और डायरेक्शन देने में क्या डिफरेंस आया है? पहले आप क्या लिखते थे, सोचते थे, और अभी आप क्या सोचते हैं, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओम शांति बहन। हाँ, ऐसे ब्रह्मा कुमारी ने एक बार मैं आने के बाद बहुत शांत हो गया, बहुत पीसफुल फील कर रहा हूँ। खास करके जो माइंड में जो कंफ्यूजन था वो नहीं रहा अभी। ऐसे देखा जाए तो मैं जैसे मेडिटेशन करता हूँ, बैठता हूँ मेडिटेशन करने के बाद, मुझे इतना सा हल्का, इतना सा लाइट फील करता हूँ मैं अपने आप को। मुझे हर चीज क्लियर हो जाती है। पहले कंफ्यूजन सा था, जैसे कुछ कांच के ऊपर धूल होती है, यहाँ पे ध्यान में बैठने के बाद वो पूरी धूल थोड़ी सी साफ होती गई और लाइफ का मीनिंग और पीसफुल रहने का एक शिक्षा सीखा मैंने यहां से। खास करके जहां मैं बांद्रा में क्लासेस में जाता हूँ वहां पे मुरली सुनता हूँ, एक अच्छा विचार आते हैं और जो मैं विचार लेके जाता हूँ बाबा वही बात मुरली में क्लियरली समझाते हैं। शशिलाई भाई जी, आप हमारी आर्ट और कल्चरल विंग को कोई शुभ संदेश दीजिए, साथ साथ आज की जो यंग जनरेशन है उनके प्रति कुछ विशेष मैसेज दीजिए ताकि वो जीवन में कुछ प्रेरणा प्राप्त करे और सफलता मिले। यंगस्टर्स को, यूथ विंग के लिए मेरे कलाकारों के लिए एक एडवाइस ये है कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट किरदार प्रोजेक्ट करते हैं, कभी डाकू है, कभी पुलिस वाला है, कभी चोर है, कभी अच्छा आदमी है, कभी बुरा आदमी है। ये डिफरेंट डिफरेंट रोल करते करते सबकॉन्शियसली माइंड में बहुत सारे कैरेक्टर्स वर्क करते हैं, आपको नहीं पता मगर वो सबकॉन्शियसली बैकग्राउंड में रहता है। खासकर कलाकार जो ऐसे रोल निभाते हैं, ये रोल करते 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 बहुत सालों के अंदर इतनी सारी चीजें दिमाग में बैठ जाते हैं कि इसकी क्लीनिंग होता नहीं। ये क्लीन करना बहुत जरूरी है और ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन बैठेंगे आपको ये सब धूल, ये सब कचरा, ये सब चीजें जो दिमाग में रखे हो सब अपने आप हट जाएंगे। आपको कुछ मेहनत करना नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान में बैठना है बस। आप देखिए वो 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर, वट एवर यू कैन मैनेज, इफ यू गेट सेट, योर लाइफ विल चेंज, योर कॉन्फिडेंस विल कम अप, यू विल फील वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने गीता दीदी के द्वारा ये जाना कि इन किरदारों को निभाने वाली मैं मालिक आत्मा, हीरो पार्ट धारी हूं। आज हम दीदी जी से परम कलाकार का परिचय प्राप्त करेंगे और इस बेहद सृष्टि नाटक को गहराई से जानेंगे जहां हम सभी कलाकार अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब हम सुनते हैं गीता दीदी से, आप हमें ज्ञान के चंदन से महकाएंगे। ओम शांति।
राजयुग के एक प्रथम अभ्यास के संबंध में आप सबसे पहले बातचीत हुई है कि योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं। आत्मा में ही संवेदनाएं, भावनाएं, भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए जितना हम सोल कॉन्शियस बनते हैं आत्मचिंतन का अभ्यास करके आत्म अभिमानी बनते हैं, तो एक तो हम स्वयं के प्रति केंद्रित भी रहते हैं और बहुत शुद्ध और सत्य रूप से हमारे अंदर वो भाव, भावनाएं, संवेदनाएं, उर्मियां उत्पन्न होती हैं जिसकी हमारी हर प्रस्तुति में बहुत आवश्यकता होती है। आज हम राजयोग से संबंधित मुख्य विषय पर देखेंगे कि हमें योग किससे लगाना है, वो साध्य क्या है, हमें योग परम शक्ति परमात्मा से लगाना है, वही सर्वोच्च सत्ता है, कल्याणकारी सत्ता है, सदा पावन सर्वशक्तिमान है। हमें अपने मन और बुद्धि की तार वो परम शक्ति परमात्मा से लगानी है, जिसको हम ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, परमेश्वर, गॉड, खुदा कहकर याद करते रहे हैं। ये भी हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, परम सुप्रीम एक ही हो सकता है, और ये हर धर्म को स्वीकार्य है कि गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। परंतु वो एक है तो कौन है, वो एक है तो उनका सत्य और संपूर्ण परिचय भी एक ही होना चाहिए। लेकिन आज एक परमात्मा के बारे में अनेक परिचय है, अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मते हैं। इसलिए कोई देवात्माओं से योग लगा रहा है, कोई धर्मात्माओं से मन लगा रहा है, कोई महात्माओं को याद करते हैं, कोई प्रकृति से योग लगा रहे हैं, कोई भ्रुकुटी में, मस्तक में या नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि हम उस पिता परमात्मा को मानते हैं पर जानते नहीं हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उनको सही अर्थ में समझें। परमात्मा का सत्य परिचय अब तक तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि संसार खेल में अनेक धर्मात्माएं, महात्माएं, अनेक अध्यात्म पुरुष, संत, योगी, ऋषि हो गए हैं। तो समझ में आ रहा है और विवेक की बात भी है कि परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ही दे सकते हैं। जैसे मेरे बारे में कोई कुछ परिचय दे, कोई कुछ परिचय दे, तो मैं खुद ही मेरा सही परिचय बता सकती हूँ। तो आज जबकि परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, तो स्वयं परमात्मा आकर के अपना सत्य परिचय हम आत्माओं को देते हैं। हमें एक मुख्य बात ये समझ में आ रही है कि
जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में जो आत्मा आती है वो समय और प्रकृति के संसर्ग में आकर शनेह शनेह वो अपनी शक्ति गंवाती जाती है। इसलिए कोई भी शरीरधारी को, चाहे वो देवात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, हम उनको परमात्मा नहीं कह सकते हैं। परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, सुख दुख के बंधन से मुक्त है, प्रकृति के बंधन से मुक्त है, कर्म बंधन संबंधों के बंधन से मुक्त है। इसलिए क्योंकि हम उनको, यही कारण है सदा मुक्त कहते हैं, सदा स्वतंत्र कहते हैं। हम मनुष्य आत्माएं भी परमात्मा को याद क्यों करते हैं, हम भक्ति क्यों करते हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि हमें दुखों से, पापों से, जन्म मरण के फेरे से छुड़ाओ। तो अंडरस्टूड है कि परमात्मा हम उनको कह सकते हैं जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। इसलिए वो परमात्मा शब्द से ही परमात्मा का परिचय हमें सिद्ध होता है। परमात्मा शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करें तो परम प्लस आत्मा मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल हम उसको कहते हैं। तो अंडरस्टूड है कि जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। क्योंकि परमात्मा कोई भौतिक चीज नहीं है, वो कोई प्राकृतिक सत्ता नहीं है, वो एक अविनाशी परम चैतन्य शक्ति है। हम कहते भी है कि जैसे जैसा बाप ऐसा बच्चा, है ना, बच्चे की अकल शकल से उनके माँ बाप दिखाई देते हैं, जैसा बीज वैसा फल हम कहते हैं। तो हम ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, हमारे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। शरीर के पिता तो हरेक के अलग अलग अपने अपने हैं, परंतु परमात्मा को भी हम पिता कहते हैं, कोई गॉड फादर कहकर याद करते हैं, कोई तुम मात पिता हम बालक तेरे कहकर याद करते हैं, कोई त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव कहकर उसकी महिमा गाते हैं, कोई परमात्मा को मालिक कहते हैं। तो इस प्रकार सर्व आत्माओं का पिता, विश्व की सर्व आत्माओं का पिता कोई शरीरधारी नहीं हो सकता है, एक निराकार दिव्य ज्योति बिंदु परमात्मा ही हो सकता है। और आप देखिए, कोई भी देहधारी को, शरीरधारी को सभी धर्म परमात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, चाहे देवात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं,
कोई भी शरीरधारी को सभी धर्म संप्रदाय स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को सभी धर्म स्वीकार करते हैं। सभी मुख्यतः धर्मों के जो धर्म स्थापक है उन सबका मूल इशारा एक ही रहा है। हिंदू भाई बहने निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा को ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। और आप देखिए उस निराकार ज्योतिर्लिंगम को ही हम कहते हैं कि देवों का देव, त्रिदेव रचयिता, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव के रचयिता परमात्मा को कहा जाता है। इसलिए भारत में तो 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। रामेश्वर में श्री राम भी को भी ज्योतिर्लिंगम की पूजा करते हुए दिखाया है। वृंदावन गोपेश्वर में आप जाएंगे वहां भी श्री कृष्ण को शिवलिंग के आगे नमन करते हुए दिखाया है। एक और विवेक की बात आपको बताएं कि स्वयं शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे बैठकर ध्यान अवस्था में दिखाते हैं। आपने कई ऐसे चित्र देखे होंगे, आगे शिवलिंग है और पास में शंकर जी को ध्यान अवस्था में बताया हुआ है, तपस्या करते हुए दिखाते हैं। अब आप सोचिए कि शंकर जी परमात्मा होते तो उनको ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान तो हमेशा अपने से भी उच्च शक्ति से लगाया जाता है, तो शंकर जी को तपस्वी मूरत दिखाते हैं, ध्यान अवस्था में दिखाते हैं, शिवलिंग के पास सिद्ध है कि देवों के देव त्रिदेव रचयिता ज्योति बिंदु परमात्मा है जिसका वो ध्यान लगा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य प्रारंभ में भक्ति के इतिहास को देखिए कि प्रारंभ में अव्यभिचारी भक्ति होती थी और एक शिव से ही ध्यान लगाया जाता था। प्राचीन कवियों को देखिए, प्राचीन राजाओं को देखिए, वो शिव के ही उपासक रहे हैं। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बॉडी कॉन्शियस बनते गए, शरीर भान में आते गए, तो उस ज्योति बिंदु से बुद्धि योग लगा नहीं पाए। इसलिए धीरे धीरे मध्य युग में देवी देवताओं की साकार उपासना शुरू हुई और आज हम देखते हैं कि अनेक देवी देवताएं, धर्मात्माएं, महात्माओं से लोग योग लगा रहे हैं। तो हिंदू भाई बहने रामेश्वर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में, अमरनाथ, ये अनेक महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, भले नाम अनेक है परंतु हर स्थान है शिवालय, ज्योतिर्लिंगम का पूजन होता है। तो हिंदू भाई बहने भी ज्योति बिंदु परमात्मा को मानते हैं और
मुस्लिम भाई बहने तो स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। उसको, उस एक निराकार से ही वे योग लगाते हैं। अल्लाह नूर है ऐसा कहते हैं। नूर मीन्स प्रकाश, ज्योति। हम हिंदी भाषा में कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। वही बात अरबी भाषा में कही जाती है, अल्लाह नूर है। आप काबा देखिए, मक्का में जो काबा की पवित्र इमारत है, वहां भी ज्योतिर्लिंगम का अंगूठे आकार का प्रतीक लगाया हुआ है, जिसको बहुत श्रद्धा से, रिस्पेक्ट से चूमते हैं, नमन करते हैं। क्रिश्चियन भाई बहने भी स्पष्ट कहते हैं, गॉड इज लाइट। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज लाइट, आई एम ए सन ऑफ गॉड। उसने अपने आप को गॉड नहीं कहा है, गॉड इज लाइट कहा है। इसलिए क्रिश्चियन भाई बहने भी चर्च में मोमबत्ती जलाकर उस ज्योत से साइलेंस में प्रेयर करते हैं। सिख भाई बहने एक ओंकार निराकार सतनाम, एक कर्ता पुरुष अकाल मूरत अयोनिज निर्भय निर्वैर कहकर उस निराकार की महिमा करते हैं। आप गौतम बुद्ध को देखिए, महावीर स्वामी को देखिए, हम उनको ध्यान अवस्था में दिखाते हैं तो वो किसके ध्यान में बैठे हुए, किससे उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, वो है परम शक्ति परमात्मा, जिससे उनको ये ज्ञान अवेयरनेस प्राप्त होती है। तो विश्व के मुख्यतः सभी धर्मों के धर्म स्थापकों का मूल इशारा एक ही है कि परमात्मा एक है, दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है, जिसको हम पिताओं का पिता, शिक्षकों का शिक्षक, गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, नाथों का नाथ कहते हैं, जिसको हम सुप्रीम ऑलमाइटी फाइनल अथॉरिटी कहते हैं। हमें उस परम सत्ता से अपना बुद्धि योग लगाना है। और ये एक सामान्य लॉजिक की बात कहें कि एक मनुष्य का पिता मनुष्य आकार का ही होता है, एक जानवर का पिता जानवर होता है, पंछी का पिता पंछी होता है। हम ज्योति बिंदु आत्माओं का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसकी हम भक्ति में कितनी महिमा करते रहे। हम गाते रहे हैं, तू प्यार का सागर है, रहम दिल है, दयालु कृपालु है। हम ये महिमा गाते हैं परमात्मा के बारे में कि आप सदा पावन, पतित पावन, पवित्रता के सागर है। उस पिता को इसलिए ही याद करते हैं
कि हम भी पतित से पावन बने, हमारा भी उद्धार हो, सुधार हो, धर्म और साधना का एक लक्ष्य आत्म शुद्धि ही तो होता है, क्योंकि वो सदा पावन परमात्मा ही हम पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं। हम हमेशा कहते हैं, आप देखिए आज दुनिया में अनेक धर्म शास्त्र ग्रंथ किताबें हैं, अनेक ऋषि मुनि संत योगी धर्म स्थापक हुए हैं और अनेक लेखक चिंतक वैज्ञानिक है, निरंतर खोज हो रही है। आज इतने ज्ञान के अपार भंडार है, फिर भी हम क्यों परमात्मा को ही कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, हमें अज्ञान अंधकार से सदज्ञान के उजाले की ओर ले चलिए, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, शिव कल्याणकारी है, सुंदर सदा पावन है। इसलिए परमात्मा के लिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। तो उस परमात्मा का ही ये कार्य है कि वो ज्ञान के सागर है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के सागर है। संसार जिन सनातन सत्यों पर चल रहा है वो सर्व सत्यों का ज्ञान परमात्मा करके देते हैं, वो प्यार का सागर है। हम उनको कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, तो ऐसे परमात्मा ज्ञान के सागर पवित्रता शांति प्रेम के सागर है, सुख आनंद के सागर है, शक्ति दाता है। तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति के सागर है, अखुट भंडार है, दाता है। वो ये ही स्पिरिचुअल एनर्जी है और इसी आध्यात्मिक शक्ति का अनादि स्रोत अल्टीमेट सोर्स परमात्मा है। तो अब हमें डायरेक्ट उस सागर से, उस ज्ञान सूर्य से योग लगाना है। अब हमें छोटी छोटी नदियों में आत्माओं के पीछे भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई परमात्मा को याद करके ही महात्मा बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, देवात्मा बनते हैं। तो क्यों नहीं हम उस पिता को यथार्थ रूप कर जानकर अब उनसे योग लगाए। जब वो ज्ञान गुण और शक्तियों के सागर और दाता है, तो हम समझ सकते हैं कि परमात्मा कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार का कार्य नहीं करते हैं। परमात्मा वो कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकते हैं। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य है कि वो हम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। न सिर्फ पावन, वो हमें
मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज हम मनुष्य आत्माएं पतित भ्रष्ट बन गई, जानवर से भी बदतर बन गए हैं। तो परमात्मा हमें सच्चा मानव, पवित्र योगी मानव बनाते हैं, और पवित्र योगी सच्चे मनुष्य से संपूर्ण मनुष्य देवता बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को देवता किए कर्तन लागी वार। परमात्मा को कोई टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो तो हाईएस्ट अथॉरिटी है। वो सद्ज्ञान की शक्ति से और राजयोग से हम आत्माओं को पावन शक्तिशाली बनाते हैं। और ऐसा कार्य करने के लिए स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं। अगर परमात्मा सृष्टि पर आते ही ना हो तो हम उनको याद क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं? हमने कैसे जाना कि वो प्यार का सागर है, सुखदाता है, सर्वशक्तिमान है, सद्गति दाता है, वो हमारा अविनाशी साथी है? हमने ये कैसे जाना? जरूर परमात्मा सृष्टि पर कभी आए हैं, हम उनसे मिले हैं, हमने उनसे सुख पाया है, तब तो हम उनको याद करते हैं। तो आज आप सबको यही ईश्वरीय संदेश देना है, यही शुभ समाचार देना है कि वो हम आत्माओं के कल्याणकारी पिता इस कलयुग अंत समय, जबकि ये एक संधि काल है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संधि काल संगम युग है। क्योंकि संसार चक्र का ये नियम है, संसार चक्र का ये नियम है कि कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है, अमावस के बाद फिर से पुनम आती है, अंधेरी रात समाप्त होकर सुबह का उजाला होता ही है। ये संसार का क्रम है। इसलिए कलयुग अंत कहा जाता है ना, अति धर्म ग्लानि के समय परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। कयामत के समय खुदा आकर आत्माओं को जगाते हैं। इस कयामत के समय, इस अति धर्म ग्लानि के समय को ही फाइनल डिसीजन डे कहा जाता है। हर धर्म इस बात को स्वीकार। हमें ये संदेश आप सबको देना है कि वर्तमान समय ही अति धर्म ग्लानि का समय है। ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधि काल का समय, जब स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और कलयुग अंत में सभी आत्माएं अपनी पति तमो प्रधान साधारण मानव स्थिति में आ जाती। विश्व के अनेक अनेक मनुष्य आत्माओं में से परमात्मा को जो योग्य लगता है उस साधारण मानव तन में वो प्रवेश करते हैं, जिसका कर्तव्य वाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। और इसलिए हम कहते हैं भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सर्जन करते हैं। सृष्टि का सर्जन माना कोई मकान दुकान रास्ते पृथ्वी सूर्य चांद नहीं बनाते हैं। व्यक्ति से समष्टि है, इसलिए व्यक्ति के संस्कारों को बदलते हैं, उतनी उसकी चेतना शक्ति को जगाते हैं।
तो परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं और वही सत्य ज्ञान आप सुन रहे हैं। ये कोई प्रजापिता ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ज्ञान नहीं, ज्ञान दाता निराकार ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव का है। शिव मीन्स कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, सत्यम शिवम सुंदरम जिसे हम कहते हैं। इसलिए वर्ल्ड साइकिल में संसार का जो ये खेल है, वर्ल्ड साइकिल में वर्तमान समय जो चल रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल समय है, जब स्वयं भगवान आकर ब्रह्मातन में प्रवेश कर हम मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। उस सत्य ज्ञान को जीवन में जो धारण करते हैं उसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहा जाता है। इसलिए ये समय है जब परमात्मा के सत्य ज्ञान और उनसे योग लगाकर उनकी स्मृति और चिंतन से, उनकी मीठी प्यार भरी याद से हम अपने आप को जितना पावन बनाना चाहे, जितना सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर करना चाहे, जितना हम अपने आप को प्यूरिफाई एम्पावर करना चाहे हम कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग वो विधि है जिसमें हम आत्माएं उस परम शक्ति से जुड़ती और हम उनके चिंतन से मन बुद्धि के बल से उनके ज्ञान को गुणों को शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर सकते। जैसे एक डिस्चार्ज बैटरी पावर पॉइंट से कनेक्ट करने से रिचार्ज हो जाती है, आज हम सभी आत्माएं डिस्चार्ज हो गए हैं। इसलिए दुखी है, अशांत है, तमो प्रधान है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार बन गए हैं, क्योंकि जब ये सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता की शक्ति नहीं रहती है, कमजोर हो जाती है, तो ये विकृतियां उत्पन्न होने लगती है। अब हम फिर से सभी बातों से डिटैच होकर उस परमात्मा से जुड़े ताकि हम वो रिचार्ज हो जाए, वो अलौकिक प्राप्तियां अनुभूतियां शक्तियों से भरपूर हो जाए। पिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, मीन्स वो इस दुनिया के निवासी नहीं है। आत्मा के संबंध में प्रथम लेसन में भी आप सबको बताया गया कि हमारे लिए ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, ये सृष्टि रंगमंच है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की अविनाशी एक्टर है, शरीर हमारी ड्रेस है और हम वैरायटी रोल्स रोज प्ले करते हैं। कहीं आप माँ के रोल में हैं, कभी आप बहन के रोल में हैं, किसी के आगे आप बेटी के रोल में हैं, कहीं टीचर के रोल में हैं, कहीं डॉक्टर के रोल में हैं। वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं, हम ये रोल नहीं,
हम ये शरीर ड्रेस नहीं है, हम आत्मा एक्टर हैं। तो परमात्मा के लिए भी ये दुनिया उनका घर कैसे हो सकता है? अगर वो इस दुनिया में ही है तो हम क्यों पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ? क्यों हम उनको याद करते हैं तो हमारी नजर और बुद्धि ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि परमात्मा इस दुनिया का निवासी नहीं, हम आत्माएं भी इस दुनिया के निवासी नहीं। तब तो कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, जो आया है सो जाएगा। क्यों ये कहा जाता? क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। हम सर्व आत्माओं का और हमारे अविनाशी पिता परमात्मा का असली घर शांति धाम है। इसलिए परमात्मा को जब याद करते हैं तो हमारी बुद्धि ऊपर चली जाती है। हमें स्पष्ट रहे कि संसार का खेल अनादि अविनाशी खेल है। ये प्रकृति पुरुष और परमात्मा का बना हुआ खेल है। प्रकृति माना पांच तत्व, वो भी अनादि अविनाशी है। पुरुष माना हम चैतन्य शक्ति आत्माएं, हम भी अनादि अविनाशी है। परमात्मा तो है ही अविनाशी परम चैतन्य शक्ति। अंडरस्टूड है कि संसार का ये खेल भी अविनाशी है, अनादि है। प्रकृति जगत में ऐसे कई साइकल्स है जो अनादि अविनाशी रूप से चल ही रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरा पर घूमती ही रहती है। पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है। दिन और रात का चक्र देखिए, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, यह अविनाशी साइकिल है। सप्ताह का साइकिल देखिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगेन संडे मंडे ट्यूसडे, ये चक्र चलता ही रहते हैं। मौसम का साइकिल देखिए, गर्मी बारिश सर्दी, गर्मी बारिश सर्दी। लाइफ एंड डेथ का साइकिल देखिए, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु। तो ये संसार का खेल भी अनादि अविनाशी है। हर साइकिल का टाइम ड्यूरेशन निश्चित है। दिन रात का साइकिल 24 घंटे का है। सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है। वर्ष का साइकिल 12 मास का है। ये होल वर्ल्ड साइकिल 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष के बाद ये रिपीट होता है। इसलिए कहा जाता है नथिंग इज न्यू। गुरु नानक जी ने भी कहा है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए अनहोनी होए। पर क्या हुआ था हम नहीं जानते हैं। हम अपने पास्ट को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारे हाथ में वर्तमान है। जो हो चुका वो तो हाथ से निकल गया,
इसलिए कहा जाता है पास्ट इज पास्ट, बीती को बीती करो, फुल पॉइंट लगाओ। हाँ, बीती से सबक सीखो और आगे बढ़ो। हम अपने लॉन्ग लॉन्ग पास्ट को नहीं जानते, हम अपने भविष्य को नहीं जानते, हम अपने वर्तमान को, वो हमारे हाथ में है। और हम ये जानते हैं पास्ट का रिजल्ट ही प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में जो कुछ हम करेंगे उसी का रिजल्ट फ्यूचर है। इसलिए भविष्य को श्रेष्ठ बनाना है तो वर्तमान को ही श्रेष्ठ बनाना होगा, और वर्तमान हमारे हाथ में है, इसलिए हमें वर्तमान को ही सफल करना है। तब कहा जाता है कि वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ। हम समय को सफल करें, हम अपनी सूक्ष्म एनर्जी संकल्पों को सफल करें, तो हमारे बोल कर्म भी सफल होंगे। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर्स है, समय और संकल्प, थॉट्स। हर इंसान को ये मिले हैं जो उनको शुद्ध, शुभ और श्रेष्ठ बनाते हैं, पॉजिटिव जिसको कहा जाता है। पॉजिटिव मीन्स प्योर, पावरफुल, एलिवेटेड, श्रेष्ठ। तो जो अपने मन वचन कर्म को पॉजिटिव बनाते हैं, शुभ बनाते हैं, शुद्ध निस्वार्थ बनाते हैं और श्रेष्ठ बनाते हैं, तो जैसे हमारा वर्तमान सफल है जो हमें एनर्जाइज करता है, जीवन में आने वाली अननोन परिस्थितियों को हम फेस कर सकते हैं। अगर हम अपने मन वचन कर्म को नेगेटिव, वेस्ट बनाते हैं या कॉमन थॉट्स में ही, कर्मों में ही जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो वो हमें एनर्जी नहीं देते, स्पिरिचुअली हम पावरफुल नहीं बनते हैं, फिर हम परिस्थितियों को फेस नहीं कर पाते हैं। रिजल्ट आप जानते हैं, कोई टेंस हो जाते हैं, कोई फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कोई डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए रोज कुछ क्षणों का समय निकाल कर स्वयं को उस पिता परमात्मा से जोड़े, मन और बुद्धि से उनका चिंतन करें, भगवान से प्यार करें, दिल के हर बात करें, और हम अपने आप को हल्का करेंगे तो वो उनकी शक्तियां हम ग्रहण कर सकेंगे। इसलिए स्वयं को जानना, उस पिता परमात्मा को पहचानना और समय को समझना बहुत जरूरी है। संसार चक्र का ये महापरिवर्तन की वेला का समय, क्योंकि ये एक संधि काल है, ये महापरिवर्तन का समय है। अब कलयुग अति पर जाकर अंत होना है और सतयुग की आदि होनी, जैसे दुखदाई, तकलीफदाई बुढ़ापा खत्म होके एक तरोताजा बचपन शुरू होता है, सेम संसार चक्र का है। पर इस सुंदर भविष्य को वो ही प्राप्त कर सकेंगे जो अभी इस कलियुगी दुनिया में रहते हुए अपने वर्तमान को सफल करें। इसलिए वर्तमान महापरिवर्तन की वेला को पहचान कर और उस परम पिता का
जो इस वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर है, उनके आदेश को ध्यान में रखकर जो स्व परिवर्तन करेंगे, वे ही विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनते हैं और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। देखो, हर एक्टर का कार्य क्या होता है, कौन क्या करता है, ठीक करता नहीं करता, इन बातों में जाने का नहीं। अगर एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी डांसर्स के ताल को देखती रहती है कि इनका ताल मिलता है कि नहीं, इनका ताल मिलता है कि नहीं, तो उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। जीवन इसलिए बिगड़ गया है कि खुद के मन वचन कर्म पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरों के मन वचन कर्म को देख रहे हैं। जब दूसरों के तरफ अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है तो खुद पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो खुद को ठीक कैसे करें? तो और एक्टर्स क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो देखना डायरेक्टर का काम। हर एक्टर का कार्य है, डायरेक्टर जो डायरेक्शन देता है उसको फॉलो करना और एक्यूरेट अपना रोल प्ले करना। तो इस वर्ल्ड ड्रामा में हम मनुष्य आत्माएं हीरो एक्टर्स है, इसलिए मैं कह रही हूं हीरो एक्टर्स है, क्योंकि पशु पंछी प्रकृति जगत सिंपली हमें फॉलो करते हैं। इसलिए हम बनते हैं तो संसार बनता है, हम मनुष्य आत्माएं बिगड़ती है संसार बिगड़ता है। इसलिए बहुत ही हीरो रोल में हम सब है और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने हर कर्म को, मन वचन कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाना है ताकि और सबका भी कल्याण हो जाए। और इसलिए ही हमें उस डायरेक्टर से योग लगाना है, उनकी स्मृति में और उनके डायरेक्शन के चिंतन को समझकर प्रैक्टिकल में लाना है। तो हम 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अब आपके पास पूर्ण स्पष्टता है हम कौन हैं, किससे योग लगाना है और कैसे हमें अपने वर्तमान रोल को श्रेष्ठ बनाना है। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, अलर्ट होके बैठ जाएं। मैं कुछ गाइडेंस दूंगी, थॉट्स दूंगी कमेंट्री के रूप में, आप उसको मेंटली फॉलो करेंगे। आपको मुख से बोलना नहीं है, आंखें नेचुरल खुली रखिए, मन बुद्धि को परमात्मा के प्रति फोकस करिए। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से डिटैच हो जाइए, साक्षी बन जाइए, अपने असली घर परम धाम में पहुंच जाइए और उस परम ज्योति बिंदु परमात्मा के प्रति केंद्रित हो जाइए। मन के आंख से उस परम ज्योति बिंदु पिता को देखें और बुद्धि से उनके स्मृति में स्थित हो जाइए। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता,
आपके सद्ज्ञान को पाकर जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। मेरा लक्ष्य है आपके सद्ज्ञान को धारण कर, आपके श्रेष्ठ मत को फॉलो कर मैं अपने वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं, ताकि मैं आपकी रिप्रेजेंटेटिव बनकर अपने कर्मों से इस विश्व में आपकी शिक्षाओं को, आपके गुण और शक्तियों को अभिव्यक्त करते रहो। आप शांति के सागर, शांति दाता है। मैं आत्मा आपकी संतान, मैं शांत स्वरूप। प्यार के सागर सुखदाता मेरे पिता, आपकी याद से मैं सुख आनंद प्रेम अनुभव करते। मेरे सर्वशक्तिमान सदा पावन पिता, मैं आत्मा आपकी याद से शुद्ध बनती जाती हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं शक्तिशाली बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है कि मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूं। मैं शांत हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक लाइट, एक माइट हूं। गीता दीदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने ज्ञान की गहराई में ले जाकर अपने नाम को सार्थक सिद्ध कर दिया है। नाउ आई थैंक ऑल अवर ऑनरेबल स्पीकर्स ऑफ टुडेज सेशन एंड ऑल अवर व्यूअर्स। वी शैल बी मीटिंग अगेन टुमारो इन द मॉर्निंग सेशन ऑफ दिस ई कॉन्फ्रेंस एट 10 AM। सो वी विल बी राइट बैक। नमस्ते, ओम शांति।